नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख अब ममता बनर्जी के प्रति कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो गया है। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी पिछली बार रैली संबोधित करने के लिए गए थे पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने ममता बनर्जी का जो स्कूटी वाला मामला था उसका काफ़ी मजाक उड़ाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि दीदी, जब आपने स्कूटी से गिरने की ठानी ली है तो स्कूटी आप अपनी नंदीग्राम में ही गिरा लेना, क्योंकि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ रही हैं और नंदीग्राम से आपकी स्कूटी गिरेगी तो आप कहीं उस राज्य को दोषी मत ठहरा देना जिस राज्य में वो स्कूटी बनी हुई है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा करारा प्रहार किया था। और आज नरेंद्र मोदी थे पुरुलिया में जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, और उन्होंने ये कहा कि TMC का जो मतलब है, इसका मतलब है ट्रांसफर माई कमीशन। TMC जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसकी फुल फॉर्म नरेंद्र मोदी ने बताई कि इसका मतलब है ट्रांसफर माई कमीशन। मोदी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है DBT, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो लोगों के सब्सिडी वगैरह और जो दूसरी सरकारी सुविधाएं हैं या वजीफे हैं वो जो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनके बारे में वो बात कर रहे थे। और TMC का मतलब है ट्रांसफर माई कमीशन, यानी कि मेरा कमीशन दे दो। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से ये कहा कि आपका ये जोश हर सिंडिकेट हर टोलाबाजी का होश उड़ा रहा है। दीदी को आपके जनधन खातों से डर लगता है। बंगाल में खुले करोड़ों जनधन खाते, आपका हक आपको ही मिले इसकी गारंटी है। साथियों, आपकी ये गर्जना बताती है कि दीदी सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि क्या हाल बना दी है दीदी ने बंगाल की। क्राइम है, क्रिमिनल है लेकिन जेल में नहीं, माफिया हैं, घुसपैठिए हैं लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं, सिंडिकेट है, स्कैम है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अभी कल रात ही 24 उत्तर परगना में दर्जन से ज़्यादा जगहों पर बमबाजी हुई, BJP कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। ये स्थिति ठीक नहीं है, ये बदले की हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। इसके अलावा मोदी ने ये भी कहा कि मैं बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, हर भाजपा कार्यकर्ता को विश्वास दिलाता हूँ कि 2 मई को BJP की सरकार बनने के बाद हर अत्याचारी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। BJP की सरकार में कानून का राज फिर से स्थापित किया जाएगा। हम सबको मिलकर गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तियों के सपनों के सोनार बंगला को फिर से निर्माण करना है। वो सोनार बंगला जहां बंगाल के स्वर्णिम गौरव का समावेश होगा और आत्मनिर्भर का सामर्थ्य होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सोनार बंगला जहां गुंडे, अपराधी, उग्रवादियों की जगह जेल में नहीं, जेल में हो, सड़कों पर नहीं। बंगाल के एक एक व्यक्ति को याद रखना है कि ये समय अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का है। TMC के दिन अब लद गए हैं, ये भी कहा नरेंद्र मोदी ने। पश्चिम बंगाल में TMC के दिन अब गिनती के रह गए हैं और ये बात ममता को अच्छी तरह से समझ रही आ जानी चाहिए। इसलिए वो कह रही हैं, खेला होबे, जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो तो खेला नहीं खेला जाता दीदी। और दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले विकास होबे, दीदी बोले खेला होबे, भाजपा बोले विकास होबे। ये सब बातें उन्होंने कही। और उन्होंने ये कहा कि 10 साल के तुष्टीकरण के बाद, लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद, अब ममता दीदी अचानक बदली बदली सी दिख रही हैं। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। ये बंगाल की जनता की नाराजगी है जो दीदी से ये सब करवा रही है। नरेंद्र मोदी बहुत ही आक्रामक हो गए हैं। मुझे नरेंद्र मोदी की 2014 की कुछ रैलियां याद आ रही हैं जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में की थी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उस समय उन्होंने ये कहा था कि हम ममता दीदी को अपने साथ आने की ऑफर देते हैं और बंगाल की जनता राज्य में दीदी और केंद्र में मोदी ये चुन लें। उन्होंने ये साफ कहा था। उस समय ये चर्चाएं थी कि ममता बनर्जी शायद NDA का हिस्सा हो सकती हैं, क्योंकि UPA 2 के समय ममता बनर्जी कांग्रेस से और UPA 2 से अलग हो गई थी और वो एक अलग ही धड़ा बनी हुई थी, और उनके बारे में ये स्पष्ट नहीं था कि वो BJP के साथ हैं, मोदी के साथ हैं या नहीं। लेकिन चूंकि उस समय केंद्र में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, तो नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि केंद्र में भी बंगाली है और यहाँ भी बंगाली है, तो उनका कहने का मैसेज ये था कि आप लोकसभा चुनाव में हमें जितवा दो और राज्य में तो आपकी ममता दीदी हैं ही। 2014 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही हुआ,
पहले खाता खुला 2014 में, दो सांसद जीते बीजेपी के पश्चिम बंगाल से, और 2019 तक आते आते 18 सांसद जीत गए। तो यानी कि काफ़ी कुछ चेंज आ गया, और चेंज आ गया नरेंद्र मोदी के व्यवहार में भी। नरेंद्र मोदी के प्रति जो कटुता ममता बनर्जी ने पिछले एक साल में दिखाई है, उसका रिफ्लेक्शन नरेंद्र मोदी की बातों में आने लगा है, कड़वाहट साफ नज़र आती है। कोरोना काल में ममता बनर्जी ने बहुत निगेटिव बातें की नरेंद्र मोदी के बारे में, केंद्र की जो टीम गई थी वहाँ पर उसका सहयोग नहीं किया। इसके अलावा मौके मौके पर वो नमो नमो और पता नहीं क्या क्या कहती रही, नड्डा को नड्डा फड्डा कहती रही, अमित शाह को गुंडा बता दिया, इस तरह की बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि जो नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी के दूसरे नेता वहाँ रैलियाँ करते थे, उन्हें कहा जाने लगा कि ये नॉन बंगाली हैं, बाहर के लोग हैं, ये बाहर के लोगों की पार्टी है। तो अब बीजेपी ने कुछ ऐसी स्थिति कर दी है कि ममता बनर्जी के लोगों को ही अपनी तरफ मिला लिया, और अब ममता बनर्जी कैसे कह सकते हैं कि ये बाहर के लोग हैं, क्योंकि पहले ये लोग ममता के साथ थे। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, तमाम ऐसे लोग हैं, मुकुल रॉय, कितने लोगों के मैं नाम लूँ, सब लोग तो अब बीजेपी के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और ममता बनर्जी बहुत ही खिन्न और नर्वस नज़र आ रही हैं। तो अब मुझे लगता है कि 8 चरणों का मतदान है, और 8 चरणों के मतदान में नरेंद्र मोदी पता नहीं कितनी रैलियाँ करेंगे, 20-25 रैलियाँ। ममता बनर्जी को उनके जो तीर हैं वो झेलना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे तो लगता है कि हर राउंड के बाद नरेंद्र मोदी का रुख और भी ज़्यादा आक्रामक होता चला जाएगा। बहरहाल, नरेंद्र मोदी के सवालों का जवाब ममता बनर्जी देंगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नरेंद्र मोदी ने अब ये मन बना लिया है कि जब ममता बनर्जी हमारी तरफ नहीं है, तो फिर ये किसी की तरफ भी इन्हें नहीं रहने दिया जाए, और उन्हें इस स्थिति में छोड़ा ही नहीं जाए कि ये किसी थर्ड फ्रंट में या फिर किसी कांग्रेस के साथ गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। और ममता बनर्जी के खिलाफ एक इसी तरह की गोलबंदी नरेंद्र मोदी ने तैयार की है। देखते हैं आने वाले समय में ये राइवलरी कहाँ तक पहुँचती है, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।